अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। असाइनमेंट मॉडल की ही हमारे पास अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम रह गई थी, उसकी मैंने आपको पहले तीन एग्जांपल्स करवाई हैं, एक्सप्लेन एग्जांपल। सिंपल मिनिमम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं असाइनमेंट मॉडल का, मैक्सिमम सॉल्यूशन असाइनमेंट मॉडल का कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैंने आपको हंगेरियन मेथड कितनी लंबी सी एग्जांपल करवाई। होप्स आप लोगों को सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब लास्ट पर जो हमारी एक चीज़ रह गई, तो मैंने आपको कहा था मैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को किस तरह से बैलेंस करते हैं वो सिखाऊंगी आपको। तो आज की वीडियो में आपको वो बताऊँगी। 58697 ये हमारे पास एक अनबैलेंस प्रॉब्लम है, जिसके अंदर देखें फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1, 2, 3 ये जॉब्स हैं और ये हमारे पास हैं ये J1, J2, J3 ये जॉब्स हैं हमारे पास, और P1, P2, P3 and P4 आर पर्सन्स। तो हम लोगों ने क्या करना, ये जो है 3 हैं और ये 4 हैं, ये बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए सही से सॉल्व नहीं हो सकता। उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने ये काम उसमें भी किया था, वोगल्स वगैरह जो मैंने आपको करवाए थे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, उसके अंदर भी कि हमारे पास जॉब की एक रो कम है ना, वो जो हमारे पास एक रो कम है वो उसकी जगह हम लोग 0, 0, 0 ऐड करेंगे। उसकी जगह पे हमने क्या ऐड कर दिया, 0, 0, 0 ऐड कर दिया, ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब देखिए ये 4x4 हो गया। अब हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम में क्या होता है, मैक्सिमम सॉल्यूशन में हम लोग वो भी देखेंगे साथ कि मैक्सिमम सॉल्यूशन में किस तरह से बैलेंस हो जाता है वो। अच्छा ये हो गया 0, 0। अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं कि इसके अंदर अब हमने क्या पहले करते हैं, रो सब्ट्रैक्शन करते हैं। रो सब्ट्रैक्शन जब हम लोग इसके अंदर करेंगे तो इसकी पहली रो की सबसे छोटी वैल्यू 3 है, तो 5 में से 3 निकालें, 2, 9 में से 3 6, 0 और यहाँ पे 3। दूसरी में से 2 है सबसे छोटी, तो 6, 5, 6 और 2 माइनस 2 0। सेकेंड वाली में 0 है, 6 है, तो 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 6 4, 12 and 7। और लास्ट पे हमारे पास 0 ही या तो 0 माइनस ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी। अब कॉलम वाइज करेंगे तो सारे कॉलम्स में ज़ीरोज हैं, 0 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो 0 की वजह से कोई चेंजिंग नहीं आएगी इनकी। अब हम लोग स्कैनिंग करते हैं, फर्स्ट में सिर्फ 1 0 है उसको किया, और जब हम रो स्कैनिंग करते हैं, रो में फर्स्ट 1 0 था उसको हमने स्क्वायर कर लिया। तो रो वाइज़ अगर करें, यानी हॉरिजॉन्टली अगर हम स्कैनिंग कर रहे हैं, रो वाइज़ कर रहे हैं, तो हम वर्टिकली 0 कैंसिल कर देते हैं, और अगर हम वर्टिकली असाइन कर रहे हो तो हम हॉरिजॉन्टली 0 कैंसिल कर देते हैं। ये मैं पहले भी आपको बहुत बताया है, मैंने पिछले एग्जांपल्स में भी इसको किया, वर्टिकली जितने भी 0 इसके ऊपर नीचे उनको कैंसिल कर दिया। उसके बाद सेकंड रो में ये वाला है, इसको भी मैंने हाईलाइट वो स्क्वायर कर लिया। अब ये भी रो है, तो वर्टिकली जितने 0 इसके ऊपर नीचे आएंगे कैंसिल कर देना। थर्ड वाली में भी 1 ही 0 है, इसको हमने किया, ये भी थर्ड रो है, तो हम वर्टिकली जितने 0 इसके ऊपर नीचे होंगे उनको कैंसिल कर देंगे। लास्ट रो में हमारे पास यही लास्ट बच गया है, तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 सारे असाइनमेंट्स हो गए और कोई किसी के ऊपर नहीं आ रही। इसकी मिनिमम वैल्यू सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास ये निकला है। फर्स्ट पे 3, फर्स्ट जो है वो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 3। सेकंड वाली जो है वो यहाँ पे है, थर्ड वाली असाइनमेंट 6 पे है, और लास्ट वाली असाइनमेंट जो है वो नंबर 2 पे है, तो 3, 2, 6, 0 आ गया, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम में बैलेंस मॉडल क्या है, हम लोग सबसे पहले यही वाला मॉडल लिख लेते हैं, हमें इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करना, जो हमने 0 है ये बैलेंस्ड मॉडल है, इसको लिख लेते हैं हम 5, 8, 6, 0, 9, 7, 10, 0, 3, 8, 12, 0, 6, 2, 7, 0। ओके जी, ये है टेबल, बैलेंस टेबल है इस, ये मैंने लिख लिया, इसके अंदर हमने 0 जो ऐड किया था। उसके बाद हेयर मैक्सिमम वैल्यू इज 12, सो वी सब्ट्रैक्ट ईच वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम। के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है पूरे मैट्रिक्स में से उसको माइनस कर देते हैं, 12 माइनस 5, 12 माइनस 9, 12 माइनस 3, पूरे बॉक्स को उसमें से माइनस करना, 12 में से माइनस करना, 12 माइनस 8, 12 माइनस 7, 8।
पूरे बॉक्स में से जब हम मैंने 12 को माइनस किया तो नीचे जीरो जीरो थे, तो 12 माइनस 0 12 ही आता, फिर 12 माइनस 0 12 आता, 12 माइनस 0। एक तरह से ये हो गया कि मिनिमम में हमने सारे जीरो की रो ऐड कर देनी, और मैक्सिमम में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमने उसकी रो ऐड कर देनी। ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप जीरो की रो ऐड करें और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू को सब में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी यही आ जाएगा। तब फिर हमने क्या करना होता है, हमने वो रो सब्ट्रैक्शन देखनी होती है। रो सब्ट्रैक्शन, सबसे ऊपर वाली रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 3 है। सबसे छोटी वैल्यू 3 है, 7 में से 3 निकालें, 4, फिर 0, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा। सेकंड रो में हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 4 है, 0 1 0 6, इस वाली में 0 है तो ये ऐसी आ जाएगी 2 0 5, और 12 वाली जो है उसमें सारी जो है वो 0 0 0 0 आ गई। ठीक है, अब अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो इसकी कॉलम स्कैनिंग, कॉलम सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगी कि हर कॉलम में 0 है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसी तरह ही रहेगा ये। तो हम लोग इसी में डायरेक्ट देख लेते हैं। रो स्कैनिंग, फर्स्ट रो में सिलेक्ट किया 0, वर्टिकली सारे कैंसिल कर देने हैं 0 ऊपर नीचे वाले। सेकेंड रो में 2 0 हैं छोड़ दें, थर्ड रो में 1 0 है, उस 1 0 को सिलेक्ट किया और रो वाइज है तो वर्टिकली 0s कैंसिल कर देने हैं। उसके बाद लास्ट पे आ जाओ, यहाँ पे भी 2 0 है छोड़ दें। फर्स्ट कॉलम में भी दोनों 0s हैं, इसको भी छोड़ दें, इसमें भी असाइंड है, ये भी असाइंड है। जो लास्ट कॉलम में हमारे पास 1 0 है, इसको किया सेलेक्ट। जब हम वर्टिकली कॉलम वाइज देख रहे होते हैं तो हम हॉरिजॉन्टली उसके लेफ्ट राइट पे जितने 0s होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, इसके साइड 0 कैंसिल कर दिया। अब दोबारा आ जाए अपनी रो स्कैनिंग पे, फर्स्ट रो असाइंड है, सेकेंड रो में देखें 1 ही 0 रह गया, एक तो डिलीट हो गया, इसको ये डिलीट हो गया, इसको हम लोग असाइंड नहीं कर सकते। अब जो क्रॉस हो जाए उनको असाइन नहीं कर सकते, वैसे वो 0 होते हैं। अब इस लाइन के अंदर हमारे पास ये 0 है, मैंने इसको असाइन कर लिया, इसके ऊपर नीचे कोई 0 नहीं था, उसको कैंसिल कर दिया। 1 2 3 4, 4 ही रोज़ हैं, 4 ही असाइनमेंट्स आ गई हैं हमारे पास। और इसकी मैक्सिमम सॉल्यूशन है, मैक्सिमम सॉल्यूशन गिवन क्वेश्चन में यहाँ पे जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, फर्स्ट का 2 और 2 का 1, फर्स्ट रो का 2 9 और 2 का 8 का 1, यानी 1 का 2 का 1 8 और ये 9। अब नेक्स्ट वाली दोनों असाइनमेंट्स हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, आंसर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे 12 है, बल्कि हमने वैल्यूज़ जो है ना वो बैलेंस्ड वाले में से देखनी है। तो वैसे वो ऊपर वाली तो वही है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 0 है, तो वहाँ पे 0 आ जाएगा सॉल्यूशन में। इसमें से वैल्यूज़ देखिएगा क्योंकि ये बैलेंस हो गया, फिर आपका लास्ट वाले में कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर उसमें से भी देख लेंगे तो ज़ाहिर एंड वाला 0 आएगा। और ये आ गया हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है 29 आ गई। मैंने अब आपको सारे असाइनमेंट मॉडल के प्रॉब्लम्स बता दी हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स मुझे पता था मैं सारे आपको बता चुकी हूँ। मज़ीद कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट लाजमी कर दिया करें अप्रिशिएट करने के लिए, और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।